दर्शक बंधु सुचित्रा टीवी को स्वागत करुच्ची अस्ट्रोलॉजर वास्तुविद डॉक्टर सरस्वती हाजरा। दर्शक बंधु प्रथम नववर्ष बहुत बहुत शुभेच्छा एवं अभिनंदन। 2023 मसीहा आपण बहुत सुख समृद्धि नहीं आसू। तेरे दर्शक बंधु नूतन वर्ष आसिले समस्त मन में खुशी आसे जे आमर ये वर्षटा केमी जीव। प्रत्येक राशि व्यक्तिशेष वर्ष आपणकर तुला राशि व्यक्तिशेष दिन वर्षटी आपणकर केमी जीव आसतु जाणवा वार्षिक राशिफल तुला राशि 2023 मसीह। आपणकर 2023 मसीह तुला राशि व्यक्तिशेष मानकर पारिवारिक स्थिति कर्म व्यावसायिक स्थिति आर्थिक स्थिति एवं विद्या विवाह प्रतिकार स्थिति विषय आसतु जाणने। तुला राशि वर्षर प्रारंभ में आपणकर राशि केतुंकर स्थिति रोचे जोटा कि आपणकर वर्षर आपणकर बुध एवं रवि आपणकर द्वितीय भाव में रोचा। आपणकर चतुर्थ क्षेत्र में शनि स्थिति शुक्रजुक्त मध्य रोचा। षष्ठ भाव में बृहस्पति स्थिति वर्षर प्रारंभटा आपणों पर एत भल जोग नहीं कि आसुनी जी आपणकर भल आसुची आपणकर आफ्टर 2023 एप्रिल 22 तारीख पर। एप्रिल 22 तारीख पर आपणकर बृहस्पति चलन आपणकर सप्तम क्षेत्र में अवस्थित होपर आपणकर लाइफटा आग को बहुत सुंदर भाव में गढ़। तेणु दर्शक बंधु एवं आसतु जाणवा आपणकर पारिवारिक स्थिति तुला राशि केमी रारिवारिक स्थिति हिसाब करिया को देखा गला बेलू परिवार क्षेत्र में आपणकर मान सम्मान उपरे हानि आपणकर आर्थिक क्षेत्र में दुरावस्था परिवार पाई चिंतित हवा नूतन शत्रु तैयारी हवा पुरातन शत्रु मिसीजा पुरातन शत्रु आपणकर क्षय होगा नूतन शत्रु आरंभ हवा इत्यादि जोग देखा दूची। हठात उपरे आपणकर अपमानित हो पारती हठात उपरे आपणकर मानसिक स्थिति विचलित हो पारे संतान मानक आपण चिंतित हो पारती कौन सी अजथा भूल कोर्ट कचेरी मामलें मध्य जड़ित होबार संभावना जोग देखा दौर। तेणु वर्षर प्रारंभ में आपणकर मे मस पर्यंत समय पारिवारिक स्थिति भल नहीं आपणकर पारिवारिक स्थिति बहुत भल रपर सप्तम क्षेत्र में आपणकर पलैस बृहस्पति सप्तम क्षेत्र में आसीजापर आपणकर पारिवारिक स्थिति बहुत भल र। तापर आपणकर दर्शक बंधु कर्म क्षेत्र उपर आसीबा कर्म क्षेत्र में आपणकर वर्षर आरंभ रु आपणकर कर्माधिपति होती आपणकर चंद्र आपणकर राहुजुक्त होती आपणकर सप्तम भाव में व्यावसायिक क्षेत्र में देखा गले सामान्य उन्नतिकारक जो मैंने कर्म क्षेत्र में चाकरीजीवी जो मैंने अच्छा वर्षर प्रारंभ भाव सामान्य विचलित मन नहीं कि आरंभ हम हठात उपरे भूल बुझामणा हठात उपरे कर्म क्षेत्र में स्थानांतरित जोग हठात उपरे मन उणा हेबा इत्यादि जोग मध्य आपणकर देखा दौर। तेणु कर्म क्षेत्र को आपणकर टिके विपर्जय होबार संभावना जोग रोचे। तेणु कर्म उपरे ध्यान देकी कर्म करंतु व्यवसाय क्षेत्र में जो मैंने अच्छा व्यावसायिक क्षेत्र उन्नतिकारक रोचे व्यवसाय आपणकर प्रचुर लाभ करेंगे आपणकर आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करेंगे व्यावसायिक दृष्टि। तेणु आर्थिक क्षेत्र विषय यदि आम देखा यही वर्षटा शेयर मार्केट रे बिल्कुल पैसा लगेबे नाही जून मास पर्यंत। जून मास पर शेयर मार्केट आपणकर पैसा लगेबे जदि भल उन्नति हे मात्र जून पूर्व कौन सी प्रकार इन्वेस्टमेंट नक आपण भल हठात उपर मन आपणकर चाहिए नुआ बिजनेस करिया किंतु टिके अपेक्षा करेंगे मे मस पर आपणकर नूतन बिजनेस आरंभ करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में जमी आपणकर स्लो प्रोग्रेस हो किसी नुआ इन्वेस्टमेंट करिया को प्लानिंग जदि करिछंती टिके वेट करेंगे वर्षर द्वितीय भागरु आपणकर आर्थिक क्षेत्र में उन्नति क्षेत्र आसीबो। महिला मानक क्षेत्र देखा जावा महिला मानकर जो मैंने बहुत उपयुक्त महिला अच्छा बहुत स्थिर हो मात्र महिला माने तांकर कौनसी दूर जगह को कर्म पाई हो किंबा आपणकर बुलिबा को हो दूर स्थान को जीवार संभावना जोग रोचे। जो झियो मानकर विवाह होइनी तांकर विवाह जदि मध्य स्थिर हो जाए दूर स्थान को विवाह स्थिर होबार संभावना जोग रही। महिला मानक क्षेत्र में तांकर स्वामी ससुर घर उन्नतिकारक अच्छे वर्षटा जाक यही वर्ष आपणकर स्वामी सहयोग पाइबे शाशुघर सहयोग पाइबे पारिवारिक स्थिति आपणकर महिला मानक मोटामोटी भल रहिबो मात्र मे मास पर छोट छुआ जो मैंने अच्छा तुला राशि तांकर शरीर सामान्य असुस्थता जोग देखादेवार संभावना जोग रही। विद्या क्षेत्र को आदि आम आसवा विद्या क्षेत्र में आदि आम आसवा तुला राशि व्यक्तिशेष मानकर विद्या क्षेत्र में आपणकर हठात उपरे
କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ଦେଖାଦେଉଛି। ଧର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ କମର୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଉପରେ ସେଇ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ, ଏଇଭଳିଆ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାଉଛି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ପଡ଼ିଯିବ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ, ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆସିଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 17 ତାରିଖରୁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇବେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଭଲ କରି ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଉପରକୁ ଯଦି ଯିବା, ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଚନ୍ଦନ କାଠ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହେଉ, ଚନ୍ଦନ କାଠ କିଛି କିଣିକି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ହେଉ, 2 ଗ୍ରାମ ଚନ୍ଦନ କାଠ ବି ହେଉ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ରାହୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ କାଠ ଦାନ ଦେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଠିକ୍ ରହିବା ହେବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଥର ଦେଖିବା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କଲର୍ର ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଲର୍ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ କଲର୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେ କଲର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷଟା ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ପରେ ଶୁଭ ଫଳ ନେଇକି ଆସୁଛି। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭମୟ ଶାନ୍ତିମୟ ହେଉ, ଏତିକି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା।